प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सभी लोग परमेश्वर की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। आज सुबह के समय में हालेलुया, जो प्रभु है हमारा परमेश्वर, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखना रखने वाला परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सभी लोग आज सुबह के समय में प्रभु की तारीफ करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपकी स्तुति, महिमा और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति, महिमा, तारीफ हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की तारीफ करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और समर्थ रखता है, उस परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और प्रभु का धन्यवाद हो। आप आज अपनी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, उसी परिस्थिति में परमेश्वर की तारीफ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। शैतान को अपने जीवन में अवसर ना दे काम करने के लिए, क्योंकि वो झूठा है और वो भरमाता है, उसके भरमाने में नहीं आए। शैतान को अवसर ना दो अपने जिंदगी में कार्य करने के लिए। परमेश्वर की स्तुति करें आज सुबह के समय में, प्रभु की महिमा करें। राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु। कई लोग बोलते हैं, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तभी मैं करूंगा, तभी मैं बाइबल पढ़ूंगी, या तभी मैं करूंगा, तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा जीसस को, तभी मैं प्रार्थना करूंगा। और इसीलिए आप आशीष को प्राप्त नहीं कर पाते अपने जीवन में। आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आज उसी परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज आपके हालात बिगड़े हुए हो सकते हैं, समस्याओं से चारों ओर घिरे हुए हो सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर हर समस्याओं का समाधान है, जो परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मान लीजिए आज आपके पर एक अचानक सी कोई परेशानी आ चुकी है, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, और अब क्या करते हैं उन मुसीबतों से बचने के लिए, अब क्या करते हैं, ढूंढते सहारा कि कुछ तो हो, कुछ तो हो। हालेलुया, आप ढूंढते कि शायद ये करने से सही हो जाएगा, क्या ये काम करने से सही हो जाएगा। हालेलुया, और अब बचने के लिए इधर उधर ढूंढते हैं कि कुछ तो हमारे हालात बदले, कुछ तो सही हो। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद हो। लेकिन दाऊद क्या कहता है कि मैं यहोवा से क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि तू मेरी पनाह है, तू मेरा मजबूत गढ़ है, मेरी चट्टान है, और मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ। हालेलुया, चाहे आज आप अपने जीवन में कितने भी बड़ी समस्याओं से घिरे हुए हों, परमेश्वर आपकी रक्षा कर सकता है। यदि आप चाहते कि प्रभु आपकी रक्षा करे, आपके लिए मार्ग निकाले, तो आपको क्या करना है, अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करना है। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर के वचन को एक पढ़ेंगे, नीति वचन 4 अध्याय उसका पढ़ेंगे हम 25 वचन। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। हालेलुया, आज आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो परेशानी, आप अपनी आंखें कहां पर लगाते हैं, झट से आप समस्याओं की ओर लगाते हैं और तुरंत दोष लगाते थे कि पता नहीं मेरे जीवन में क्यों ठीक नहीं हो रहा, मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा, मेरे जीवन में वो क्यों हो रहा है। और जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों में, कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आप सभी जानते हैं कि शैतान का क्या काम है। शैतान बहुत ही चलाक और करता हलाक है। आपने वचन को इतना सुना है, कितने बार पढ़ा भी है, कि कैसे जो शैतान है वह हव्वा को बहका दिया, जो फल नहीं खाना चाहिए था, और उसे क्या कर दिया, खाने के लिए वो क्या किया, विवश कर दिया, उसकी आंखों की दृष्टि बदल गई,
वो फल देखने में क्या है? क्या है? मन भाव है। दिखने में कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। शैतान ने उसे पाप में गिरा दिया। एक रीजन था, उसकी दृष्टि बदल गई। उसे जो नहीं खाना था उसे उसने खा लिया। हालेलुया। और वो क्या कहती है, हम पढ़ते जब परमेश्वर के वचन को ध्यान से, जब स्त्री ने देखा, यहाँ पर हम वर्ड पढ़ते देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम होगा कि वे नंगे हैं और इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और जो प्रभु ने कहा था उनको उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्हें परमेश्वर की दृष्टि लगाने के बजाय कहाँ पर दृष्टि लगाया? उनकी आंखें वहां पर नहीं लगी रहनी चाहिए थी, उस शैतान की और उस सर्प की ओर कान नहीं लगाना था, लेकिन उन्होंने कहां देखा और कहां पर दृष्टि लगाई? उस शैतान की ओर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। शैतान का मुख्य काम ये है कि आपको क्या करना चाहता है, आपको आपका आपके जो दिशा को चेंज करना चाहता है। आपको क्या करना चाहता है, जो मकसद है, जो परमेश्वर के पीछे चलने का जो मकसद है, प्रभु के प्रेम में बने रहने का, उस जो प्रभु में भरपूरी से चलने का, जो पवित्रताई में चलने का, उस मकसद को आपके जीवन से वो क्या करना चाहता है, आपको भटकाना चाहता है उस दिशा से। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट, आप सब जानते हैं, उसके लिए मैं तैयार होना दिन प्रतिदिन, रोज बरोज प्रार्थना करना रोज बरोज, लेकिन वो इतना चलाक है कि आपके आपको भटकाना चाहता है, वो आपको मोड़ना चाहता है। आप परमेश्वर के रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन वो क्या करना चाहता है, आप इधर मुड़ जाओ उधर मुड़ जाओ, लेकिन सीधे ना चलो। इसलिए तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पल के आगे की ओर खुली रहे, मतलब परमेश्वर की ओर लगी रहे। हालेलुया। जब हम प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं ध्यान से और बाइबल में जब हम देखते हैं कि कैसे दाऊद को युद्ध में जाने से रोक कर उसके दिशा को बदल दिया शैतान ने, और क्या किया, जब दाऊद छत में टहल रहा था तो उसका मन कहां गया, उसकी आंखें कहां पर पड़ी, उस स्त्री के ऊपर पड़ी और दाऊद फंस गया फिर जाल में। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। वो थोड़ा ऊपर छत में टहल रहा था, थोड़ा घूम रहा था और वो विश्राम ले रहा था, तो उसकी आंखें कहां पड़ी, और देखो कैसे कैसे उसकी आंखें वहां देखा और वो पाप कर बैठा। बाद में कितना कुछ उसके जीवन में समस्याएं आई, उसके अपने लोग ही नहीं उसके शत्रु बन गए। और इतना ही नहीं, जब हम देखते हैं शिमशोन के जीवन में कि कैसे जो प्रभु के रास्ते में जा रहा था और वो अचानक कहां क्या हो गया उसको, जो इतना सामर्थ्य से भरा हुआ था, जो सिंह को, जो लायन लॉयन को, जो बकरी के बच्चे के समान फाड़ कर रख देता था, कोई इसका सामना नहीं कर पाता था, कोई इस पर प्रहार नहीं कर पाता था, कोई इस पर जयवंत नहीं हो पाता था, अब वो क्या हो गया, वो गिराया गया। कैसे? जब उसकी दिशा बदल गई, जब मकसद सब कुछ मतलब बिगड़ गया, अपना भेद बता दिया कि ऐसे मुझे बांधना सात रस्सी से, सब कुछ बता दिया भेद, जबकि नहीं बताना था। उस लेडीज के चक्कर में पड़ गया, दलीला की गोद में आ गया और उसके चक्कर में पड़ गया, सब कुछ बता दिया, वो बहक गया और सब खत्म, सामर्थ खत्म, सब कुछ खत्म। हालेलुया। आज ऐसे ही विश्वासी भी हैं, प्रभु के पीछे चल तो रहे हैं, लेकिन अचानक कोई बीमारी आती है और वो जब ठीक नहीं होते तो उनका दिशा चेंज, बाबा के पास चले जाते हैं, घोरी के पास चले जाते हैं, हाथ दिखाने वालों के पास चले जाते हैं, दिशा चेंज। तो क्या कहीं समझते हैं कि कुछ नहीं होता, लेकिन परमेश्वर क्या होता, आपको देखता और दुखित होता है कि मैंने अपने लहू से दाम देकर मोल लिया, लेकिन इसको मुझ पर विश्वास नहीं, उसे उस बाबा के पर विश्वास है जिससे मैं बड़ा हूँ, जो परमेश्वर ने सारी सृष्टि की सब कुछ किया, और उसे मुझ पर विश्वास नहीं और उसे किसी और पर विश्वास है। हालेलुया। हनन्या सफीरा को देखते हैं कि कैसे उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। हालेलुया। क्या कहा? पवित्र आत्मा से उन्होंने झूठ बोला। जो जमीन जो खरीद के जो जमीन उन्होंने बेचा था उसका उसका थोड़ा सा रख लिया था अपने पास में, और उन्होंने क्या कहा कि नहीं इतना ही मिला है, लेकिन पतरस को पता चल गया क्योंकि वो परमेश्वर का जानता, उसको सब कुछ पता चल गया। और उसी दिन एक ही दिन दोनों की मृत्यु हो गई। झूठ बोलना, कई सोचते झूठ बोलना तो ऐसा ही है, कुछ नहीं होता झूठ बोलने से। आप खुद ही पढ़ो वचन को कि हनन्या सफीरा के जीवन में क्या पवित्र आत्मा से झूठ बोला। आज हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं और हम झूठ बोलते हैं,
तो शैतान तो बहुत हंसता है, 32 दांतें निकाल के हंसता है। वो कहता है मैं तो यही चाहता कि तुम लोग हरदम झूठ बोलो पवित्र आत्मा से। तो उन्होंने हनन्या और सफीरा ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, धन के लालच में फंस गए और दिशा बदल गई, बाद में मृत्यु को प्राप्त हो गए। हालेलुया। हाँ, शैतान बहुत चलाक है, करता हलाक है और वही चाहता है आपको भटकाना चाहता है किसी न किसी रीति से, क्या परमेश्वर के पीछे ना चलो। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हम अपने जीवन में चल रहे हैं, हमें से प्रभु को देख के जाना है, इसलिए तेरी आंखें सामने ही की ओर लगे रखे, ना तू दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। तुझे कहे यहाँ पर ये मिलता है तो मत जाना, तुझे कहे वहां पर वो मिलता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ो और जो प्रभु के वचन से यदि कोई कहता है ऐसे कर और मेल नहीं खा रहा है तो काम को ना करो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। शैतान का सिर्फ एक ही मकसद है आपको परमेश्वर से अलग करने का। उसके लिए वो प्रयास करता है कि कैसे भी करके आपको गिरा दे, परमेश्वर से दूर कर दे, गिरा दे, पाप में फंसा दे, गिरा दे। हालेलुया, वो क्या करना चाहता है, आपको गिराना चाहता है। ये पाप आपके सामने में लाता है और जिस पापों से छुटकारा पाया, आपने उद्धार प्राप्त किया, मन फिराया, उसी पाप को आपके आंखों के सामने लेकर आता है कि चल तू फंस, मैं तुझे गिराता हूँ। हालेलुया, कितने लोग फंस जाते हैं लेकिन कितने लोग नहीं फंसते, उसमें से निकल जाते हैं क्योंकि वो जागते और प्रार्थना करते रहते हैं। क्या आप जागते और प्रार्थना करते रहते हैं? क्या आप रोज प्रार्थना करते हैं? इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये सब जब हम याकूब के पत्र में पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे उस वचन को, याकूब के पत्री पहला अध्याय उसका 14 वचन से पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्या लिखा है? अपनी ही अभिलाषा से खींचकर। आप जब विचार से अपना छुटकारा प्राप्त किया, आज जब परीक्षा आती है तो आप क्या हो जाते हो? फंस जाते हो, अभिलाषाओं से खींच जाते हो, फिर फंस जाते हो, फिर परीक्षा में पड़ते हो। फिर अभिलाषा क्या होती है? वो गर्भवती होकर पाप को जानती, फिर आप पाप कर बैठते हो और जब पाप बढ़ जाता है तो क्या होता है? फिर मृत्यु को उत्पन्न करता है। जब पाप बढ़ जाता है तो बीमारी आ जाती है, समस्याएं आ जाती है, परेशानियां आ जाती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे भाइयों, धोखा ना खाओ। इसे क्या कहता है प्रभु का वचन? कि धोखा ना खाओ। परमेश्वर का आपके जीवन में एक बहुत बड़ी योजना है। तो शैतान कोशिश करता है आपको गिराने की, ताकि आप परमेश्वर के पीछे न चल सके और वह मकसद को पूरा न कर सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम देखते हैं पुराना नियम में, वहां पर पढ़ते हैं कि कैसे शैतान जो मरियम की दिशा को बदल देता है और क्या कर देता है, वो मूसा पर दोष लगाने लगती है और इस वजह से उसके पर श्राप आ जाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। इसलिए दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। आप आजाद हो चुके हैं, आप उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन आज हम फिर उसी पाप को करते हैं। बार बार हम क्या करते हैं? प्रभु को दुख देते हैं। इसलिए अपनी परिस्थिति को मत देखो, मैं बीमार हूँ, मैं क्या करूँ, कैसे होगा, क्या होगा, फिर इधर जाते फिर उधर जाते हैं। आप परमेश्वर को देखकर दौड़ो, सीधे दौड़ते रहो। इसलिए तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। न तू दाहिनी ओर मुड़ना और न तू बाईं ओर मुड़ना, सीधे चलो परमेश्वर के पीछे चलो। हालेलुया। जब हम इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया इस दुनिया में और वो परखा गया लेकिन निष्पाप निकला। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह वो मनुष्य के रूप में आया, वो सारे क्या, वो सब कुछ सा, दर्द को, दुख को, सबको सा, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। आया शैतान परखने के लिए, दिशा से भटकाने के लिए आया, लेकिन परमेश्वर नहीं भटका। जो मकसद था परमपिता परमेश्वर की, इसकी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में योजना जो थी, उसको पूरा हुआ और वो पूरा हुआ, इसलिए आज हम बचाए जाते हैं। और जब हम विश्वास करते कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा और मैं भी जी उठा हूँ, मैंने भी छुटकारा प्राप्त कर लिया, प्रभु यीशु के लहू से मैं शुद्ध हो चुका हूँ, प्रभु जी मुझे पवित्र कर दिया, मुझे शुद्ध कर दिया। किस लिए? प्रभु यीशु कैसे हुए? यीशु प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर की, पिता की मर्जी पूरी की। और हमें भी प्रभु यीशु मसीह की मर्जी करनी चाहिए, प्रभु के पीछे चलना चाहिए। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे
तो आप अपने जीवन में वो आशीषों को तरता हुआ देखोगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी, और उस मकसद से ना भटके, परमेश्वर के रास्ते में चलने से ना भटके। हाँ, की परिस्थिति कैसे भी क्यों ना, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जो समस्या हो, प्रभु पे भरोसा रखे और प्रार्थना करे लगातार, प्रभु में बने रहे, प्रभु के पीछे चले, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा, आपको लज्जित नहीं होने देगा, परमेश्वर आपको बचाएगा, आपको उठाकर फिर से खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। या अपनी आंखों को बंद कर सभी प्रार्थना में जाए, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं। हर एक जनों को पिता परमेश्वर में आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु जी, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कितने लोग बहक गए, परमेश्वर के रास्ते से भटक गए, और शैतान का मकसद था उनको उनकी दिशा से, उनको उनके जो परमेश्वर की योजना को पूरी नहीं होने देना और उनको रास्ते से भटका देना। विश्वासियों के जीवन में भी शैतान बहुत कोशिश कर रहा है कि इनको कैसे भी परमेश्वर के रास्ते से हटाएं। मेरे जीवन में भी बहुत सारे दुख और कष्ट, मुसीबत, तकलीफें, शैतान बहुत कोशिश किया मुझे परमेश्वर से दूर करने की, भटकाने की, लेकिन परमेश्वर का वचन मालूम था और हम जड़ पकड़े हुए थे, इसलिए शैतान हमें भटका नहीं पाया। कितने लोग भटक जाते हैं, कितने ही लोग, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं, प्रभु के पीछे चलना छोड़ के किसी और के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और इसलिए परमेश्वर का प्रकोप उन पर भड़कता है जो प्रभु के पीछे नहीं चलता, जो प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करता। इसलिए तुम्हारी आंखें सामने की ओर खुली रहे, परमेश्वर की ओर रहे। आगे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, प्रभु पे भरोसा रखे और विश्वास रखे और प्रभु के पीछे पीछे चले। हालेलुया, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। बोलो प्रभु यीशु, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। पिता परमेश्वर, आपकी स्थिति में मैं तारीफ करूं। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है। यदि आप बहुत दुख है, यदि आप दुखित, आप बीमारी से घिरे, तो और प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थना को बढ़ा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, परमेश्वर के पीछे पीछे चलें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, आप देखोगे अपने जीवन में अद्भुत कामों को 100%। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। सभी प्रार्थना में जाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक एक जन को मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करती, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी, आपकी योजना इन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरी होने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी करने के लिए सबको विशेष अनुग्रह कृपा देना पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग दुखित है, बीमारी में है, समस्याओं में गिरे हुए, आज इनकी समस्याओं को दूर करना पिता परमेश्वर। शैतान चाहे जितनी मर्जी कोशिश करे, बोलो मैं नहीं भटकूंगा, मैं प्रभु आपके पीछे पीछे चलूंगा। वो लॉर्ड जीसस अपना पहला प्रेम कुंडेल देशो अपा लॉर्ड जीसस। हर एक जन को प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ लॉर्ड जीसस। हालेलुया, रबगदी रडबा शंथा रडबा कत्तू रडबा तेरेगी तेरडबा कत्ते। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं हर एक जनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर कर दिया जादू यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं डांट तेरे बंधन टूटे आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु छुटकारा देने वाला, जो समस्याओं से घिरे हैं मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक समस्या बंधन टूटे आजाद हो जाए, हर एक शर्मिंदगी दूर हो आपके जीवन से। हालेलुया, प्रभु जयवंत बना पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी पर फतह दे पिता परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, प्रार्थना करते बीमारी को डांटते हुए जीवन को छोड़ के जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबगदी रडबा शंतर रडबा कत्तुर रडबा तेरेगी जो बीमारी है, जो परेशानी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट इन द मैचने मत जीसस का। बोलो मैं यीशु के लहू में, यीशु के लहू में जीवन, यीशु के लहू में छुटकारा है, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रवि खेते रडबा शंत रडबा कत्तू रडबा तेरेगे रडबा कत्तिरा। आज ही अपने पापों से मन फिराया जादू यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। हालेलुया, प्रभु छुटकारा देना पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी को डांटते अपने जीवन को छोड़ के जाए, आपके शरीर से जाए, हर एक जेनेटिक बीमारी से जादू चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। याद रखें, प्रभु नहीं चाहता कि आप बीमार रहें, आप समस्याओं में रहें। शैतान हमेशा आपको गिराना चाहता है, आपके मन को भटकाना चाहता है, लेकिन आप भटके ना अपने दिशा से, प्रभु के पीछे पीछे चलते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आप जब वचन नहीं पढ़ते हो तभी आप आसानी से भटक जाते हो, लेकिन जब आप वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, तब कभी भी परमेश्वर के रास्ते से नहीं भटक पाओगे। इसलिए वचन और प्रार्थना आपके जीवन में कभी कम ना होने पाए।
लगातार प्रार्थना करें और वचन को पढ़ें। मैं प्रार्थना करती प्रभु इनको अनुग्रह देना वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा देना पिता परमेश्वर। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक रोग खत्म हो जाए आपके जीवन से, आपके परिवार से, हर प्रकार के इन्फेक्शन खत्म हो जाए, स्किन के प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हर एक दाग आपके शरीर से खत्म हो जाए। जो ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन हुआ तो है लेकिन अभी भी दर्द और प्रॉब्लम में है, मैं प्रार्थना करती हूँ जादू चंगे हो जाए, हर एक दर्द जाए, हर एक मुसीबतें जाए, हर एक समस्याएं जाए, आपके जीवन आपके परिवार को छोड़ के जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बिजली बड़ी तमाची नेम ऑफ जीसस का। हर एक दर्द जाए, हर एक परेशानी जाए, हर एक मुसीबतें जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बिजली बड़ी धमाटी नाम जीसस का। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए, हर एक अर्थराइटिस का दर्द प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी आंखों की रोशनी वापस, आप देखने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, झुकने लगे, उठने बैठने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो पैरालाइज है जादू चंगे हो जाए, और धड़ंग की बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। जो व्हील चेयर में है, मैं प्रार्थना करती हूँ उठ खड़े और चल फिर यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके गर्दन का दर्द से जादू चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो हिल डुल नहीं सकते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ जादू चंगे हो जाए, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। जो मानसिक रोग समस्या आजाद हो जाए, हर एक बच्चे आजाद हो, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जीवन को, परिवार को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हर एक विचार का स्पिरिट जो कार्य करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, हर एक नशा आपके जीवन को छोड़ के जाए। हालेलुया, हर एक जो शराब पीते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो मेडिकल नशा करते हैं, जो हर तरह का नशा करते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए, एक नशे से यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते, जो पाप में रहते, यीशु के सामर्थ्य नाम आजाद हो जाए, वी डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, प्रभु यीशु आपने ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में और आपकी जयकार हो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा और आपकी जयकार हो। मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती हूँ। धन्यवाद यीशु, रबी के तेरे बखत तेरे बशंत रडबंकतो रोसोतो रबी के तेरे बशंत। प्रभु छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। धन्यवाद यीशु, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, आपकी स्थिति में मैं तारीफ हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपका छोटा सा लेके बड़ा बिजनेस आशीषमय होकर बदल जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ हो। सेनाओं के जवाब पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो और आपकी स्तुति हो और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, हर एक बंधन टूट जाए, आपका वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ, परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका कमाई का सोर्स को ब्लेस करती हूँ, आपकी ऑनलाइन बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करती हूँ, प्रोजेक्ट के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। पीआर के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और गवाही के साथ वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट आजाद हो जाए। जो हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है, मैं प्रार्थना करती हूँ जादू चंगे हो जाए, हर एक पेट के रोग और समस्या जाए, हर एक दर्द खत्म हो जाए। मैं आपको संतान के आशीष से ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपका यूट्रस भला और चंगा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस कर दे, छुटकारा दे दे, धन्यवाद करती हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कर्जों में दबे हुए फंसे हुए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए हर एक जन यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने छुटकारा देती, मैं धन्यवाद करती हूँ। आखिर रुके हुए काम चलने लगे, आखिर बंद फैक्ट्री बंद कारखाने चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आखिर बंद मशीनें चलने लगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हर एक काम खुलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और मिरेकल को देखोगे अपने जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु लॉर्ड जीसस, प्रभु की धन्यवाद। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। पति पत्नी का जीवन एक होकर बदल जाए, डाइवोर्स कैंसिल यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो केस चल रहे हैं और अब जयवंत होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, और गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आत्मिक जीवन में डे बाय डे बढ़ते जाए, प्रभु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हूं, कबूल कर दीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। आज के प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, प्रभु में सदा आनंदित रहें, प्रार्थना करना न छोड़े, लगातार प्रार्थना करते रहें। इस मिनिस्ट्री के लिए लगातार प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन का प्रार्थना करें। जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप प्रेयर लाइन जो दिया गया, जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी गवाही को व्हाट्सएप पे वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें, और अपने टाइट, अपने दशवंश, अपनी ऑफरिंग को जो गुप्त दान है,
हालेलुया, जो प्रभु ही जानता है। हालेलुया, आप अपनी भेंट को, अपने दान को, अपने दशमांश को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। चर्च भवन की जमीन के लिए जो भाई बहन अपना बीज बोना चाहते हैं, आप दे सकते हैं परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया, प्रभु के धन्यवाद और प्रभु यीशु की स्तुति। चर्च भवन के लिए प्रार्थना करें, मिनिस्ट्री के प्रार्थना करें, मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, हम और ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, लोगों को बचा सके, सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया, प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो और प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, प्रभु में सदा आनंदित रहें। आज शाम की प्रार्थना जो 6 बजे की मीटिंग को अटेंड करने के लिए तैयार रहें। हालेलुया।